चलिए अच्छो, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको इसमें कुछ फार्मूले काम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो पहले तो जितना गिवन है उसको लिख ही लेते हैं, ठीक ना। कॉस थीटा, और ये आपका ब्रैकेट हुआ, फिर लिखा है कॉस थीटा साइन थीटा, नीचे है माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, फिर लिखा है प्लस साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा और फिर लिखा है साइन थीटा, ठीक है। इज इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तरीका बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया क्या गया है, बोला गया है कि ये बाहर है ना, तो इसका रिलेशन इनटू से है, तो इनटू करना है इस कॉस थीटा को, सभी से इनटू कर दो, इधर भी है ना, यहाँ भी, अभी पहला काम। फिर ऐसे ही साइन थीटा को जब लेना ना, तो साइन थीटा को भी इनटू कर देना, इधर साइन थीटा को अंदर, सभी से इनटू कर देना ऐसे, ठीक है। चलिए करते हैं, तो पहले वाले को करते हैं, ठीक है। ये आपका ब्रैकेट, तो कॉस से कॉस का इंटू हुआ तो कॉस थीटा हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। दो और एक बार कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, फिर नीचे करिए तो कॉस थीटा और साइन थीटा, तो माइनस माइनस कॉस थीटा साइन थीटा लिख दिया, फिर एक बार कॉस से कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये पहला आ गया, ब्रैकेट क्लोज, बीच में प्लस था तो प्लस प्यार से लगा लेना, ठीक है। अगले स्टेप में देखना, अगला स्टेप साइन से साइन का इंटू करना है, तो साइन का साइन से इंटू कर दो बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ, और उधर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा या साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा कुछ है नहीं, जैसे आप चाहें वैसे लिख लें। नीचे ऐसे साइन थीटा कॉस थीटा, और उधर हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, या इसको आप लिख सकते थे आप चाहते ना, तो ऐसा लिखने की जरूरत थी नहीं, आप चाहते तो कॉस थीटा साइन थीटा लिख देते, क्योंकि मैंने यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा लिखा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं, तो मैं सेम लिख देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा। और अगले में साइन से साइन के इंटू हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। देन यहाँ पे अब एक चीज देखो, क्वेश्चन के बीच में क्या लिखा, प्लस लिखा है, तो प्लस करना है, तो पहले को पहले से प्लस कर देना, फिर इसको इससे प्लस कर देना, ऐसे इसको इससे प्लस कर दो और इसको इससे प्लस कर दो। मैं समझा रहा हूँ आपको, एरो बनाना नहीं है कि सॉल्व करते समय आप बना दो और वहीं पे हो जाए सब गड़बड़। तो कॉस स्क्वायर से साइन स्क्वायर ऐड हुआ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगले में लिखेंगे आप कॉस थीटा साइन थीटा, और प्लस और माइनस हो जाएगी, प्लस और ये वाला माइनस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ऐसे यहाँ माइनस और ये, तो अब ब्रैकेट जरूर क्रिएट कर लेना, माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, और उधर हो जाएगा साइन प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे फिर लास्ट में कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट क्लोज कर देना। देन अब देखो यहाँ पे एक फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, त्रिकोणमिति का होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट आइडेंटिटी है, टेंथ में आपने पढ़ा होगा, तो इसी के यूज थे। यहाँ पे देखो सेम है ना, यहाँ पे तो वन रख दीजिए, यहाँ दोनों जगह ये वन हो गया, ये दोनों अपोजिट हैं, प्लस और माइनस में कट गया, ये भी कट गया, तो वन हुआ, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन, और इस प्रकार ये क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। फिर सच देट आप मेंशन कर देना, यहाँ ना करके यहाँ पे मेंशन करना, ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए था, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ लिखना सच देट, क्योंकि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल वन होता है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, बट आपको ऐसे क्वेश्चनों को इग्नोर नहीं करना है ना, कभी भी क्या होता है जल्दी जल्दी में बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट।